हाय गाइस, वेलकम टू टेलीस्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें साउथ इंडियन बैंक की, तो आज हमें 1% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। फिलहाल जो बैंक के शेयर प्राइस ट्रेड कर रहे हैं वो 26.93 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, जो साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट हैं वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही आए हैं, यानी ठीक ठाक आए हैं। तो हमें लग रहा था जो ये ट्रेंड लाइन है, आप देखोगे रेजिस्टेंस जो है डाउन ट्रेंड में, ये हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, पर ये ब्रेकआउट फेक निकला। फिलहाल आप देखोगे साउथ इंडियन बैंक के जो शेयर प्राइस है एक बार नीचे आ रहे हैं इसी ट्रेंड लाइन के, और कहीं ना कहीं इसी रेंज में अब हमें दिखाई देने वाले हैं, यानी हमें अभी और वेट करने का ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब भी आप किसी अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हो तो आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको भरोसा रखना पड़ता है, अगर किसी आपने अच्छी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो मुझे रिटर्न देगा। ऐसी बहुत सारी कंपनी आप देखोगे पिछले 5 साल 6 साल 2 साल 3 साल कोई रिटर्न नहीं दिया, और जब रिटर्न दिया तो 1 साल 2 साल में ही मल्टीवैगर्स रिटर्न दे दिए 400% के, 500% के। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे मैं वीडियोज़ कवर करता रहता हूँ। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जब चलेगा तो बहुत अच्छी तरह चलेगा स्टॉक, क्योंकि अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, अंडर वैल्यूड है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेलिंग की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।